आपकी निगाहें, आपके इशारे किस तरफ जा रहे हैं? मुकाबला होना चाहिए, तो आइए फिर हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। अब सिलसिला हम और आगे बढ़ाते हैं, प्रतीव नहीं है, तो आइए अब तो मुकाबला होना चाहिए। फिर मजाक का मुकाबला होने जा रहा है। मैं आवाज देता हूं अब माजून के लिए, डिमांड करूंगा कि आपने मेयर हॉल में जो नज्म सुनाई थी वो नज्म शेर मामला कह दो भाई को, तो उनकी टोपी देख के मुझे चार मिसरे हो गए। संसद भवन में शोर मचाती है टोपियां, हर जगह पे जलवा अपना दिखाती है टोपियां। संसद भवन में शोर मचाती है टोपियां, हर जगह पे जलवा अपना दिखाती है टोपियां। और दीनों धर्म के नाज उठाती तो क्या हुआ, अरे गंजों की भी तो लाज बचाती है टोपियां। दीनों धर्म के नाज उठाती तो क्या हुआ, अरे गंजों की भी तो लाज बचाती है टोपियां। और ये भी चार मिसरे समाप्त फरमाइए। हाँ, गंजों की अपने मुल्क में सबसे अलग पहचान है, गंजों की अपने मुल्क में सबसे अलग पहचान है। है कोई उजड़ा चपन चटियल कोई मैदान है, गंजों की अपने मुल्क में सबसे अलग पहचान है। है कोई उजड़ा चमन चटियल कोई मैदान है, और है चमकता चांद कोई जगमगाती रात में, कोई महबूबा के अरमानों का कब्रस्तान है। है चमकता चांद कोई जगमगाती रात में, कोई महबूबा के अरमानों का कब्रस्तान है। और ये भी शायरी एक हयात देती है और रंज गम से निजात देती है। शायरी एक हयात देती है और रंज गम से निजात देती है। जिसका गर्दिश मगर सितारा हो उसको बेगम भी लाद देती है, जिसका गर्दिश मगर सितारा हो उसको बेगम भी लाद देती है। नहीं, वो दूसरी फरमाइश की। इनकी महबूबा ने इनको फोन करके ये कहा, इनकी महबूबा ने इनको फोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तलक आप आएंगे। इनकी महबूबा ने इनको फोन करके ये कहा, ऐ मेरे हमदम बताओ कब तलक आप आएंगे। और फिर बोली कि तुमने देर की तो सोच लो, आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे। आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे। एक नज्म पिछले बार तो मैंने शायद हिजड़े से इंटरव्यू पढ़ा था, अब एक गुंडे से इंटरव्यू नज्म फरमाइए, बहुत बेहतरीन। तो साहब गुंडा अपने इसमें दो कैरेक्टर है, गुंडा और एक साहबी। साहबी गुंडे से इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, पत्रकार। हाँ, पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर। एक गुंडे से इंटरव्यू लेने के लिए जाता, गुंडे को पता नहीं रहता, गुंडा अपने अड्डे पे बैठा हुआ रहता और बम्बई की तो जुबान मालूम है भाई, किधर से जा रेला कर रेला ये। तो अब वो बम्बई का गुंडा है और प्रेस रिपोर्टर आता, उसको पहचानता नहीं। तो प्रेस रिपोर्टर को देख के गुंडा का, कौन रे तू, किधर से आयला है, अरे क्या कफन साथ अपने लायला है। साहबी, जी नहीं सर, मैं एक साहबी हूँ, इसलिए काबिले मुआफी हूँ, साथ साथ पैगाम में हमने लाया हूँ, अरे तुमसे गुफ्तार करने आया हूँ, तुमसे गुफ्तार करने। अब गुफ्तार का मतलब गुंडे को मालूम नहीं होता, वो कहता है, क्या गुफ्तार है कोई चौपर, अरे इसका मतलब बता दे शायर, अरे वरना खाचे मैं तुझको ले लूंगा, अरे तुझको लूला बना के छोड़ूंगा, तुझको लूला बना के। साहबी कहते, बात बात फूलों में तो लिए भाई, धीमे लहजे में बोलिए भाई, ये मेरी चाहतों की दस्तक है, दिल का दरवाजा खोलिए भाई, दिल का दरवाजा खोलिए भाई। तो गुंडा कहा, बोल तो धसु बोल रेला है, और तू तो लगता है बड़ा पड़ेला है, दिल
दिल्ली पत्थर मेरा बनेला था, मोम जैसा अभी हुएला है। जॉन डेविड अरे संभा, लेके आओ शराब का खंबा, पी के दारू मैं आज बोलूंगा, दिल के दाखों को अपने तोड़ूंगा, दिल के दाखों को अपने तोड़ूंगा। थोड़ा पीने के बाद बोल बोलो क्या बोल रहा है, अरे दिल का दरवाजा ही खुलेला है, दिल का दरवाजा ही खुलेला है। तो साफ ही कहता, मेरा पहला सवाल है भाई, गुंडागर्दी के क्यों बने दाई, मेरा पहला सवाल है भाई, गुंडागर्दी के क्यों बने दाई। तो गुंडा कहता है, तेरा सुनकर सवाल है बाबा, मेरा माजी मुझे रुलाता है, अरे लब्बी खोलूं तो किस तरह खोलूं, मेरे मुंह को कलेजा आता है, पढ़ने लिखने की मुझको ख्वाहिश थी, बड़ी अच्छी मेरी रिहाइश थी, बाप ने माँ का साथ छोड़ दिया, माँ ने दुनिया से नाता तोड़ दिया, अपने अपने बेगाने हो गए सारे, दिन में आने लगे नजर तारे, अरे फूल मांगा तो मुझको खार मिले, जख्म इस दिल पे बेशुमार मिले, घर की छत को भी सबने छीन लिया, मैंने तंगा के गन मशीन लिया, और जिसने नाहक के मुझको छेड़ा था, उसको जिंदा नहीं मैंने छोड़ा, अब बच के कानून से निकलता रहा, डॉन में धीरे धीरे बनता रहा। तो साहब भी एक सवाल करता है, भाई बतलाएं डॉन होकर तुम काम करते हो किस तरह भारी, भाई बतलाएं डॉन होकर तुम काम करते हो किस तरह भारी। तो गुंडा कहता है, जो भी देता है हमको सुपारी, अरे उससे हरगिज न करते गद्दारी, पहले पुलिस को हम खबर करते, काम करते हैं बाद में भारी, काम करते हैं बाद में, कितने सरकारी ऐसे दफ्तर हैं, अपने पंटर वहीं के अफसर हैं, अरे हफ्ता आता है चल के अड्डे पर, अपनी मुट्ठी में सारे बिल्डर हैं। दूसरा सवाल करता है साथी कि भाई बतलाएं पुलिस वाले और आप लोगों में फर्क है कितना, भाई बतलाएं पुलिस वाले और आप लोगों में फर्क है कितना। तो गुंडा कहता है, हमको दुनिया सलाम करती है, अरे पुलिस वाले सलूट लेते हैं, अरे गेम करते हैं हम अंधेरों में, वो जालों में लूट लेते हैं। एक सवाल करता है साहब कि ये फसादात उफ ये महंगाई, रोशनी इस पे डालिए भाई, ये महंगाई रोशनी इस पे डालिए भाई। तो गुंडा कहता, क्या हम छूते हैं आसमानों को, किस कदर राजकल गिरानी है, आग कितने फसाद खूनरेजी, सब सियासत की मेहरबानी है। एक सवाल आखिर करता है उसने, चार जुमलों में भाई बताएं जरा कैसे लगते हैं आज के नेता, तो गुंडा कहता है कि आज संसद में जोरों शोरों से, अरे भर गया है बाजार चोरों से, आज संसद में जोरों शोरों से भर गया है बाजार चोरों से, अरे एक असमत परोज बेहतर है देश के इन हरामखोरों से। हरामखोर बहुत अच्छी बात, साहब ही कहता है, भाई जज्बात पर रखो काबू, कुछ न अपनी जुबान से बोलो, काश होते बुरे ये बेचारे, कौन दिल्ली में भेजता इनको, अरे आप तो इस अंधेरी नगरी में रोज पितने कई उठाते हो, बुज दिलों की हराम दौलत से जिंदगी सुरखरू बनाते हो, छोड़ दो अपनी सारी करतूतें, कर लो तौबा गुनाह से अपने, करो सीने में दिल धड़कता हुआ, फिर न भटको गमों के सहरा में, आओ आओ जनता तुम्हें बुलाती है, आओ आओ इस पाक साफ दुनिया में, आओ इस पाक साफ दुनिया में। गुंडा कहता है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है, रोज कश्मीर यहाँ जलता है, कोई गुजरात को जलाता है, अरे बोई जाती है खेत में लाचें, खून का दरिया बहाया जाता है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है, दुल्हनों को जहेज की खातिर यहाँ जिंदा जलाया जाता है, अरे नन्हे बच्चों को कत्ल करके यहाँ गोश्त उनका भी खाया जाता है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है, अस्पतालों में भी मरीजों के तन से गुर्दे निकाले जाते हैं, नन्हे बच्चों को कत्ल करके अस्पतालों में भी मरीजों के तन से गुर्दे निकाले जाते हैं, अस्पतालों में भी मरीजों के तन से गुर्दे निकाले जाते हैं। और ये भी समाप्त फरमाइए साहब, नन्हे भूखों पे होता अत्याचार, खाक की वर्दी में होता भ्रष्टाचार, गांधी नेहरू की पुण्य भूमि पर रोज होता है देह का व्यापार, कौन सी पाक तेरी दुनिया है,
कौन सी पाक तेरी दुनिया है, खुदकुशी करते हैं किसान यहाँ, जुल्म ढाते पुलिस जवान यहाँ, अरे एक दो दस नहीं 90% पाए जाते हैं बेईमान यहाँ। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कोई मरता है बम धमाकों में, कोई मिटता यहाँ फसादों में, कभी मस्जिद में कभी गिरजा में, मौत मंडलाती है शिवालों में। कौन सी पाक तेरी दुनिया है, कौन सी पाक तेरी दुनिया है, अब तो जज भी यहाँ कथाओं पर फैसला करते आस्थाओं पर, अब तो जज भी यहाँ कथाओं पर फैसला करते आस्थाओं पर, अरे अरे यहाँ का कानून भी तो अंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा है, इससे अच्छा हमारा धंधा। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए मजा से इन्होंने किस तरीके से हकीकी तस्वीर खींची है। यूसुफ भाई, यूसुफ यलगार साहब का ये का जज्बा और ये इनका कलाम सुनने के बाद